Hey guys, this is Kinnari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. तो टुनिशा शर्मा की मॉम ने भेजा है एक लीगल नोटिस कलर्स एंड एंडमॉल को. टुनिशा शर्मा की मॉम का ये कहना है कि कलर्स खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 कैसे शजान खान को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि शजान खान के ऊपर अभी भी एक क्रिमिनल केस चल रहा है और वो ऐसे एक्टर को अपने रियलिटी शो में क्या साबित करना चाहते हैं, क्या वो क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं. ये एलिगेशंस है टुनिशा शर्मा की मॉम का कलर्स पे. बात करें अगर शहजान खान की तो उन्हें बेल मिल चुका है. हाँ, केस अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले ही शहजान खान का पासपोर्ट, जो कि काफी समय से जब से ये केस शुरू हुआ था कोर्ट के पास था, कोर्ट ने भी शहजान को उनका पासपोर्ट दे दिया है और लॉ के हिसाब से शहजान आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं. और खबरें ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है कि शहजान खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए बहुत जल्द आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करेंगे. लेकिन अब क्योंकि टुनिशा शर्मा की मॉम ने ये लीगल नोटिस भेज दिया कलर्स को, उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि क्या कलर्स अपने रियलिटी शो, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी हो या फिर बिग बॉस हो, उसमें सिर्फ क्रिमिनल्स को ही लेती है और इस तरह से अपने टीआरपी बूस्ट करती है. अब देखना ये होगा क्या ये लीगल नोटिस बनेगी बाधा और क्या शहजान खान से छिन जाएगा खतरों के खिलाड़ी सीजन 13. पर ये हमें डेफिनेटली कुछ दिन में पता चल जाएगा, बिकॉज May 11 को सुनने में आया है कि जितने भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के कंटेस्टेंट है वो ट्रैवल करेंगे आउट ऑफ इंडिया, जहां पे ये रियलिटी शो शूट होने वाला है. वेल, आप हमें जरूर बताइए कि इसमें आपको कौन सही लगता है और कौन गलत कमेंट सेक्शन में. और ऐसे ही अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए ग्लिट्स विजन यूएसए को. हाय, दिस इज निक्की तंबोली एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए. थैंक यू.